Hello everyone, welcome to English Gyan. This is Shivashish Dash. In today's video, we shall discuss the topic correction of sentences, which is prescribed for the students of class 9, 10 and 11. इस वीडियो में हम असम HSLC के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड हम सीखेंगे कि कैसे हमको सेंटेंस करेक्शन करना होता है. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द इंग्लिश ज्ञान फैमिली बाई सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. सो हम पहले HSLC असम के 2019 में पूछे जाने वाले कुछ सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट कैन रेन टुनाइट. अगर हम सेंटेंस को थोड़े अच्छे से देखें, हम देखेंगे सेंटेंस में दिया हुआ है कि इट कैन रेन टुनाइट. यहां पे एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कैन का यूज किया गया है. अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझें तो हम देखेंगे कि कैन इंप्लाइज समथिंग जिससे हम किसी का एबिलिटी दर्शाते हैं. मतलब अगर मैं कहूँ आई कैन डू इट, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये कैपेसिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ इट कैन रेन टू नाइट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आज रात बारिश होने की कैपेसिटी है. लेकिन ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा बिकॉज आज रात बारिश होने का कैपेसिटी नहीं होता. इट शुड हैव बीन आज रात बारिश होने का प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी हम कैन से नहीं मे से एक्सप्रेस करते हैं. सो द आंसर शुड हैव बीन इट मे रेन टुनाइट इंस्टेड ऑफ इट कैन रेन टुनाइट. सो हियर द एरर लाइज इन द यूज ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन एंड मे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू. द कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अगर हम ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखें, वी विल नोटिस हियर वी आर गेटिंग ए कलेक्टिव नाउन दैट इज द कैटल. द कैटल एक्चुअली क्या होता है, जो काउ, बुल, गोट, शिप, हर कुछ मिलके, जो ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, सब कुछ मिलके हम लोग कहते हैं उसको कैटल. ये कैटल अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग एस यूज नहीं करते बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ इज कलेक्टिव एंड इटसेल्फ इट इज प्लूरल. सो कैटल के साथ कभी भी एस यूज नहीं होता है. इट इज ऑलवेज कैटल एंड नॉट कैटल्स. सो द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन द कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड इंस्टेड ऑफ द कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड. आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर टू भी समझ में आ गया होगा. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री. ईच ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट. आई एम रिपीटिंग ईच ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट. यह हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, इट इज द यूज ऑफ द वर्ड ईच. जब भी हमको ईच वर्ड मिलेगा, इट शुड कम टू आवर माइंड दैट इट इज ऑलवेज सिंगुलर. दैट इज वाई यहां पे हम लोगों को दिया हुआ है कि ईच ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट. लेकिन जब ईच होगा इट इज सिंगुलर एंड इन केस ऑफ सिंगुलर यहां पे प्ले नहीं होगा, प्लेज होगा. बिकॉज हमको शायद याद होगा कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलता है, तब वर्ब के साथ एस या फिर ईएस यूज हो जाता है. दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी ईच ऑफ द बॉयज प्लेज क्रिकेट और ईच ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट नहीं होगा. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर. How much money you need? How much money you need? It is an interrogative sentence. लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, that is the auxiliary verb. जब भी कोई interrogative sentence होगा, इसमें अगर कोई question word रहता है, तो question word के बाद हमेशा एक auxiliary verb होगा. Suppose अगर मैं आपको आपका नाम पूछूं, तो I will ask you, what is your name? WH वाला ये यहाँ पे WH वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, दैट इज व्हाट, और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ड इज. सिमिलरली हाउ मच मनी यू नीड, यहाँ पे हाउ है, हाउ मच मनी, इसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होना चाहिए था. सो इट शुड हैव बीन हाउ मच मनी डू यू नीड. सो आई होप आप सभी को ये सारे सेंटेंसेस
क्लियरली समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट है आप अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आई विल ट्राई एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन इंग्लिश एंड फॉर मोर कॉन्टेंट ऑन इंग्लिश ग्रामर स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश क्या। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।